मुझे वो पल याद आते हैं हमेशा। क्यों? मुझे अच्छी तरह से याद है रात के 11:15 बजे थे, मुझे कॉल आती है और मैं कॉल उठाता हूँ। हेलो। और एक सुकून देने वाली आवाज़ मुझे सुनाई देती, बेटा तो कहाँ पे है? वो मेरी वालिदा थी। मैंने उनसे पूछा, जी मम्मी मैं चौराहे पे बैठा हुआ हूँ, जितना जल्दी हो सके घर पे। जब मैं घर पे आके देखता हूँ तो मेरी छोटी सी लाचार सी बहन मुझे आके लिपटती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, भैया मेरे हाथों को क्या हुआ है, भैया मेरे हाथों को क्या हुआ है। जब मैं उसकी ओर देखता हूँ तो उसके हाथों में से खून निकलता नजर आता है। मैं उसे वैसे ही लेता हूँ दोनों बाहों में उठाकर। जब मैं डॉक्टर की तरफ चल निकलता हूँ तो मेरी बहन मेरे हाथों में दम तोड़ देती। वो दिन था जिसने मुझे एक दर्द का एहसास दिलाया था, और आज मैं एक हैवान बन चुका हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता। मेरे पिताजी कहते थे कि उस सदमे के बाद से तू इतना गंभीर क्यों है, क्यों है इतना गंभीर? मेरे गुरुजी ने कहा कि तू कोई फरिश्ता नहीं, हैवान है। कि मेरा दर्द हैवान था या मैं हैवान हूं? मैं एक बात बता दूं आप सबको, मैं यहां आपकी गुलामी करने नहीं आया हूं, मैं राज करने आया हूं। राज वो क्यों, किस वजह से? इस दुनिया की वजह से, इस हालात की वजह से। अब मैं जो करूंगा तो वो दुनिया देखेगी, वो होगा तांडव, 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 समझे? हाय गाइस, ऐसे ही और नए कलाकारों या टैलेंट्स को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन और लाइक बटन को भी क्लिक करें।